अस्सलाम वालेकुम। ये हम मैं आपको बता दूं, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम मैट्रिक एफएससी फिजिक्स के जो पास्ट पेपर्स हैं फेडरल बोर्ड के, वो हम बड़ी डिटेल्ड में जो है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। और हमने क्लास 9th के जो चार पेपर थे 2019, 2018, 2017, 2016, उनको हमने डिटेल में जो है वो सॉल्व किया है, डिस्कस किया है। हमने एमसीक्यूज उनके डिस्कस किए हैं, हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। और 9th क्लास के फिजिक्स के 5 साल पेपर, 5 साल तो नहीं कहना चाहिए, 4 साल के जो पेपर्स हैं वो सोल्व करने के बाद हम जो है 9th क्लास की फिजिक्स की पास पेपर सोल्व करना हमने स्टार्ट किए। और हमने जो है 2019 का जो पेपर है 10th क्लास का फिजिक्स का, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज हम इसकी लास्ट स्टेज में है इस पेपर को सोल्व करने के, क्योंकि हमने इसके दो सेक्शन जो थे इस पेपर के, सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज पे बेस्ड कर रहा था, और सेक्शन बी जो के शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें थे, वो हमने लास्ट 2 वीडियोस में जो है बड़ी डिटेल में जो है वो हमने देख ली है। अब ये इस सेक्शन सी जो है इस पेपर का, 2019 फिजिक्स क्लास 10th फेडरल बोर्ड, इसको अब हम बड़ी डिटेल में जो है देखने की कोशिश करते हैं। और कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताता जाऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन का भी कोई एक पार्ट ऐसा है जिसमें जिसको हमने स्किप किया है, मैंने उसकी रीजन आपको बताई है कि क्योंकि ये कुछ पार्ट जो है ये 2021 का जो सिलेबस स्मार्ट किया गया था कोरोना की रीजन की वजह से, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज जो है वो बंद रहे थे, स्टूडेंट्स घर रहे थे, उनकी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, कुछ की वो भी नहीं हो सकी थी। इस वजह से स्टडी का जो सिस्टम था, निज़ाम था, वो डिस्टर्ब रहा था। तो कंपनसेट करने के लिए स्टूडेंट्स को और फिजिकली एग्जाम लेना भी जरूरी था, तो सिलेबस जो है वो शॉर्ट किया गया था। तो इस वजह से जो कुछ पार्ट जो है इन पुराने पेपर्स के, जो अब 2021 की उस स्मार्ट सिलेबस में नहीं आ रहे, तो उसको जो है हम वो फिलहाल स्किप कर रहे हैं सॉल्यूशन से। लेकिन आपको अगर इनके सॉल्यूशन चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जो है लाजमीन इनकी डिटेल सॉल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन सी जो है 9th को क्लास, 10th क्लास हो, इनमें ये होता है कि आपके पास 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं और आपने कोई से 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, और दोनों क्वेश्चंस के मार्क्स जो है वो इक्वल होते हैं। मतलब ये 20 नंबर का ये सेक्शन सी जो है वो होता है। तो आप वही 2 क्वेश्चन जो है इसमें अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हों, ठीक है। और जो आपको एक क्वेश्चन इतनी अच्छे से नहीं आता, तो आप उसे सॉल्व ना करें। या सपोज कर लें कि अगर 3 क्वेश्चन हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपको तीनों पार्ट्स आते हैं, तो वो आप सबसे पहले करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आपको 2 पार्ट आते हैं, तो वो आप जो है वो फिर ना करें। या अगर कोई ऐसा हो कि आपको 1 के 2 पार्ट आते हैं, 1 का 1 पार्ट आता है, तो जो 2 पार्ट वाला है यकीनन उसकी वेटेज ज्यादा होगी। और अगर ऐसा ही है तो आप वो फिर करें जो जिसका आपको 1 पार्ट आता है, आप वो ना करें। तो चलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें और स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, जाहिर है मतलब पहले 2 क्वेश्चन तो क्वेश्चन 1 जो है वो एमसीक्यूज बेस कर रहा था, क्वेश्चन 2 जो है वो फिर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 3 जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें पार्ट ए है, एक्सप्लेन डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड अदर प्रोजेक्शन बोथ विद डायग्राम। तो ये जो विजन के डिफेक्ट्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करें, और उनकी कुरेक्शन जो है
वो भी एक्सप्लेन करें डायग्राम्स के साथ। तो ये जो है इसमें देखें, ये जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये कुछ इस तरह है कि आपने डिफेक्ट्स ऑफ विजन, और आपने डिफेक्ट्स ऑफ विजन को एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ, तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और फिर उनकी जो करेक्शंस होती हैं उनको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर जस्ट आप डिफेक्ट्स ऑफ विजन एक्सप्लेन कर देंगे, आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह अगर आप करेक्शंस जो है विजन की उनको एक्सप्लेन कर देंगे, डायग्राम्स भी बनाएंगे, तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको 6 नंबर ये पूरे चाहिए, तो आपने पहले विजन के डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है प्रॉपर रे डायग्राम्स बना के। फिर अगर आपने मजीद 3 नंबर चाहिए, तो आपने जो विजन की करेक्शंस हैं इनको भी एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। फिर आपको ये कंप्लीट 6 मार्क्स में वो मिलेंगे। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सोल्व नहीं कर रहा। देखें यहाँ पे मेंशन किया गया है एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेबस फॉर एनुअल एग्जाम 2021। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, तो आप लोगों ने जो है वो बताना है, मैं ज़रूर इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब हम लोग ये करते हैं कि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और हम चले जाते हैं क्वेश्चन 3 के पार्ट बी की तरफ, जो कि 4 नंबर के है। तो इस तरह ये 3 3 6 और ये 4 10 पूरे नंबर हो जाते हैं आपके। देखिए पार्ट बी है, व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स में से लाइट सिग्नल्स की जो ट्रांसमिशन होती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं ये बताएं। सेकंड वो कहता है एक्सप्लेन इट विद द डायग्राम, इस चीज को एक्सप्लेन करें एक डायग्राम के जरिए। अब देखें इसमें मास की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसने खुद बता दी है आपको। क्या किया है उसने, मास की डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें उसने आपको खुद बता दी है। देखें 3 नंबर किस चीज के हैं, 3 नंबर हैं कि आपने ये बताना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर से जो लाइट सिग्नल्स होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, आपको इसके बारे में क्या पता है, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और सेकंड फिर आपने एक डायग्राम बनानी है जिसमें ये जो लाइट सिग्नल्स हैं ये इन ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट होते हुए नजर आए, तो उसका 1 नंबर है। तो इस तरह इसके 4 नंबर है। चलें करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 के इस हिस्से को। पहले तो हम कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज प्लास्टिक फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो हैं ये जो हमारे सर के बाल है होता है ना, इसके साइज के बराबर के जो है प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, ठीक है। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड कोर। जो फाइबर का अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम कोर कहते हैं। ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी जो है वो कैरी करता है। लाइट जो है वो भी बेसिकली एनर्जी ही है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, एक तो ये कि ये एक हमारे जो सर का बाल होता है उसके साइज के प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, और जो इन फाइबर का इंटरनल हिस्सा होता है, इंटरनल पार्ट होता है, उसे हम कोर कहते हैं। और कोर जो है वो लाइट एनर्जी को जो है वो कैरी कर रहा होता है। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं कि जो इनर पार्ट होता है फाइबर को उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसे हम कोर कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कोर है उसका फंक्शन क्या होता है, तो कोर का फंक्शन ये होता है कि वो लाइट एनर्जी को जो वो कैरी करता है, ठीक है। अब इंटरनल पार्ट इनर पार्ट होता है, तो यकीनन इसका कोई आउटर पार्ट भी होगा, और जो आउटर इसका पार्ट होता है वो कंसेंट्रिक शेल्स होते हैं, ठीक है, और उसे क्लैडिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक तो ये कि हमारे सर के जो बाल हैं उस साइज के प्लास्टिक पाइप्स होते हैं। सेकंड ये जो है इसका एक इनर पार्ट होता है और एक आउटर पार्ट होता है। जो इनर पार्ट होता है फाइबर का उसे हम कोर कहते हैं, और ये क्या कैरी करता है, ये लाइट एनर्जी को जो है वो कैरी करता है। और जो आउटर पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का, वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्लैडिंग कहते हैं, और ये कंसेंट्रिक शेल्स होते हैं, ठीक है। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक विद अ रिलेटिवली लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स व्हाइल द कोर हैज रिलेटिवली हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स।
अच्छा जी एक मिनट, यहाँ से हम पेंसिल लाइट सेट कर लेते हैं। ओके जी, ये जो बात कर रहे हैं, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक विद रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेसिकली बात हो रही है क्लैडिंग की, कि क्लैडिंग जो होता है ये प्लास्टिक मटेरियल होता है और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिलेटिवली कम होती है, जबकि कोर जो है उसका रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। किसके रिलेटिव, मतलब क्लैडिंग के रिलेटिव, और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है वो किसके रिलेटिव, वो यकीनन कोर के रिलेटिव। कोर और क्लैडिंग एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, ठीक है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा। तो कोर और क्लैडिंग के बारे में एक और बात क्या पता चली, जो क्लैडिंग है ये रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बना हुआ प्लास्टिक मटेरियल होता है, जबकि कोर जो है ये ऐसा प्लास्टिक का बना हुआ होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली जो है वो ज्यादा होता है। द लाइट एंटरिंग द कोर स्ट्राइक्स द क्लैडिंग बाउंड्री एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब लाइट जो है वो कोर से जब एंटर होती है तो वो क्या करती है, क्लैडिंग की एक बाउंड्री होती है उसको जाके जो है वो स्ट्राइक करती है। किस एंगल पे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जब क्रिटिकल एंगल से जो है वो ग्रेटर होता है, तो फिर क्या होता है, ये कोर में जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि जो हमारे पास कोर में लाइट एंटर होती है, ठीक है, और वो क्लैडिंग की बाउंड्री पे जो है जाके स्ट्राइक करती है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो ये जो लाइट होती है ये वापस कोर में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस तरह लाइट जो है वो हमारे पास कई किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर लेती है और एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का हमें यहाँ पे क्या एडवांटेज एक नजर आया, कि ऑप्टिकल फाइबर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कई किलोमीटर्स तक हमारे पास एनर्जी जो है वो इसमें सेव रहती है, हमारी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती, और ये एक बहुत बड़ा जो है वो एडवांटेज है कि एनर्जी जो है वो लॉस नहीं हो रही। और एनर्जी लॉस न होने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने ऑप्टिकल फाइबर को बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया यहाँ पे। मेरे ख्याल में अब आपको जो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, और फिर उनके क्या फर्दर फंक्शन क्या है, ये आपको हमेशा याद रहेंगे। मैं आपको मजीद एक दफा बता देता हूँ कि जो ऑप्टिकल फाइबर, और ये अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी के इस हिस्से की बात कर रहे हैं, अभी हमने डायग्राम की बात नहीं की। तो मैंने आपको ये बताया कि ऑप्टिकल फाइबर जो हैं, एक मिनट वेट कीजिएगा, जी। तो मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये बेसिकली हमारे पास हमारे जो सर के बाल होते हैं उस साइज का जो है प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर्स का इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। जो इनर पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर्स का उसे हम कोर कहते हैं, और जो आउटर पार्ट होता है वो कंसेंट्रिक शेल होता है बेसिकली, और इस आउटर पार्ट को, इस ऑप्टिकल फाइबर के आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, हम क्लैडिंग कहते हैं। अब ये जो क्लैडिंग है ये किस मटेरियल का बना हुआ होता है, और जो कोर है ये किस मटेरियल का बना होता है। तो कोर जो है ये बेसिकली प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ऐसे प्लास्टिक का बना हुआ होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिलेटिवली कम होता है, जबकि कोर जो है ये एक ऐसे प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिलेटिवली हाई होता है। तो लाइट की ट्रांसमिशन कैसे होती है ऑप्टिकल फाइबर्स में, होता ही है कि लाइट जो है वो कोर से
इंटर होती है और वो जो क्लैडिंग की एक बाउंड्री होती है उस पे जाके जो है स्ट्राइक करती है। किस एंगल पे? एंगल जो होता है वो इंसिडेंस जो एंगल होता है जिससे लाइट जो है कोर में इंटर हुई है वो ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से। और जब ऐसा होता है तो ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है कोर के अंदर। तो इस तरह जो है लाइट की ट्रांसमिशन होती है ऑप्टिकल फाइबर्स में। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है ऑप्टिकल फाइबर्स का कि इसमें सेवरल किलोमीटर तक हमारे पास जो एनर्जी जो है वो सेव रहती है, एनर्जी लॉस नहीं होती, इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस नहीं होती। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है फायदा है। क्या फायदा है कि एनर्जी जो हमारे पास वो लॉस नहीं होती। तो ठीक है, अब इसकी हम इस हिस्से की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन इट विद अ डायग्राम। हमने 3 नंबर का हिस्सा जो है पार्ट का वो कर लिया। अब 1 नंबर की आपने डायग्राम बनानी है। देखें ये डायग्राम में मैं बता रहा हूँ कि दो ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये बताया कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये किस प्रिंसिपल में वर्क करते हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है वर्क करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये किस प्रिंसिपल पे बेस कर रहे होते हैं, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, तो अब आप बता सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है वो वर्क करते हैं। और ये भी आपसे जो है एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि नेम द प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन। तो आपने बताना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फेनोमिना है जिसके ऊपर जो है हमारे ऑप्टिकल फाइबर जो है वो वर्क करते हैं। अब देखें ये मैंने एक डायग्राम आपको दिखाई है, ठीक है, ये देखें ये इंटरनल जो है ये कोर है और ये वाला पार्ट जो है आपकी क्लेडिंग है। लाइट आपकी जो है ये इंटर हो रही है यहाँ कोर पे आके जब, ठीक है, इंटर हो रही है कोर से और ये बेसिकली क्लेडिंग की बाउंड्री है। जब ये जो लाइट कोर से इंटर हुई, जब ये यहाँ पे जो है जाके स्ट्राइक करती है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल सी से जब बड़ा हो जाता है तो ये क्या होता है, लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है किसमें, कोर के अंदर। और इस तरह जो है लाइट की ट्रांसमिशन होती है ऑप्टिकल फाइबर्स में। रिपीट कर देता हूँ, लाइट जो होती है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में इंटर होती है कोर से, ठीक है, कोर से इंटर होती है और फिर ये क्या होता है, लाइट जो है ऑप्टिकल फाइबर्स में कोर से इंटर होती है और ये क्लैडिंग की बाउंड्री है, इसको जाके जब स्ट्राइक करती है और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे ये लाइट जो है कोर में इंटर हुई, ये क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा हो जाता है तो ये लाइट जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है कोर में। तो इस तरह जो है ये हमारे पास इस तरह जो है लाइट ट्रांसमिशन का फेनोमिना होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। और इसमें जो एनर्जी हमारे पास जो है वो लॉस नहीं होती। तो ये वो डायग्राम थी जिससे हमने ये जो बातें जबानी कलामी की थी वो हमने एक्सप्लेन कर दी। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए है, एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल विद डायग्राम। ये कह रहा है कि कैपेसिटर्स का जो कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज और पैरेलल में, उन्हें एक्सप्लेन करें आप डायग्राम सुना के, ठीक है। ओके, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल विद डायग्राम। कि जो कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज और पैरेलल, दो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, या कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगे हो सकते हैं या हो सकता है वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट हों। तो वो कह रहा है कि इन्हें आप डायग्राम्स बना के जो है वो एक्सप्लेन करें एक बात, और फिर इसमें वो मजीद कह रहा है कि आल्सो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर देयर
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फिर आपने इनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो और जब कैपेसिटर पैरल में कनेक्ट हो, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो भी हमने जो है वो लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट ए है, इसके भी 6 नंबर हैं। 3 नंबर किस चीज के हैं कि आपने जो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन होते हैं, दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है, कैपेसिटर जो है चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं वो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और पैरल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि कैपेसिटर जो है वो एक दूसरे के साथ पैरल में कनेक्टेड है। तो आपने सीरीज और पैरल जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स के उनको एक्सप्लेन करना है डायग्राम बना के। डायग्राम 2 बनाएंगे आप, एक में आप बताएंगे कि इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है वो आप दिखाएंगे डायग्राम बना के। दूसरी आप डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि इस डायग्राम में कैपेसिटर जो है वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस तरह ये करेंगे आप तो आपको 3 नंबर जो है वो मिल जाएंगे, और बाकी के जो 3 नंबर हैं वो किस चीज पे बेस कर रहे हैं, वो बेस कर रहे हैं आपने जो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए और एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो ये दोनों आपने बताने हैं, तो मजीद 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और इस तरह ये जो आपका क्वेश्चन है इसका पार्ट ए है क्वेश्चन 4 का, इसके 6 नंबर जो है इस तरह डिवाइडेड है। चलें इस पार्ट के पहले हम पार्ट ए को, इस हिस्से को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए के इस हिस्से को देखते हैं जिसमें हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करना है डायग्राम बना के। तो ये देखें कैपेसिटर इन सीरीज पहले एक्सप्लेन कर देते हैं हम। इन दिस कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक मिनट, अच्छा जी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कैपेसिटर इन सीरीज जो है ये हमारे पास क्या है, इस कॉम्बिनेशन में, ये कॉम्बिनेशन ही है ना, कि अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो वो एक कॉम्बिनेशन है, इस तरह अगर पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो वो एक कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज में कैपेसिटर जो है इस कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं हमारे पास, कैपेसिटर जो है वो साइड बाई साइड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब साइड बाई साइड का क्या मतलब है कि राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू लेफ्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर, ठीक है। तो सीरीज कैपेसिटर, सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है, इसका क्या मतलब है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कैपेसिटर जो है वो साइड बाय साइड कनेक्टेड है। और साइड बाय साइड कनेक्शन का क्या मतलब है, साइड बाय साइड कनेक्शन का मतलब है कि जो कैपेसिटर की राइट प्लेट है वो लेफ्ट प्लेट नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ जो है वो कनेक्टेड है, इसे हम कहते हैं कि कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन। और ये यहाँ पे डायग्राम बताइए, जो यहाँ पे बताया है वही चीज है। देखिए ये एक बैटरी लगी हुई है, ये कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर जो है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, C1 C2 C3, और ये की लगी हुई है कि ऑन हो ऑफ हो, उस हिसाब से कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है। कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सेम इस कैपेसिटर के लिए, सेम इस कैपेसिटर के लिए, जब ये कैपेसिटर C2 C3 चार्ज होंगे तो इनकी एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और दूसरी प्लेट पे जो है वो माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो ये देखें कैपेसिटर जो है इस कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, और ये बात जो है वो जस्टिफाई भी हो रही है। कैसे जस्टिफाई हो रही है, हमने ऊपर क्या डिफाइन किया कि कैपेसिटर इन सीरीज से मुराद ये है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कैपेसिटर जो है वो साइड बाई साइड जो है वो कनेक्टेड होते हैं। और फिर हमने कहा कि साइड बाई साइड का मतलब क्या है, साइड बाई साइड का मतलब ये है कि जो एक कैपेसिटर की राइट प्लेट है
वो दूसरे कैपेसिटर जो उससे आगे वाला कैपेसिटर होगा उसकी लेफ्ट प्लेट से जो है वो कनेक्टेड होगी। तो ये देख लें, इस चीज को देख लें आप, इन दो कैपेसिटर की बात करें, देखिए इस कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है वो अगले कैपेसिटर की राइट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो इस चीज को जो हम कहते हैं साइड बाय साइड जो है वो कनेक्शन, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें तीन कैपेसिटर जो है आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं और बैटरी तो है ही है, जिसकी वजह से जो पावर सप्लाई करती है और कैपेसिटर जो है वो चार्ज होते हैं और की जो है ये बेसिकली हम इसे जो है जब हमने ओपन सर्किट करना हो क्लोज सर्किट करना हो तो की को हम ऑन ऑफ जो है वो करते हैं और सर्किट जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो खैर ये तीन कैपेसिटर थे, दो कैपेसिटर हो भी सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, दस हो सकते हैं, एन कैपेसिटर हो सकते हैं आपके पास। तो हमने कैपेसिटर इन सीरीज को जो है बड़े डिटेल में जो है वो हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसी के लिए जो कैपेसिटर इन सीरीज, इसके लिए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो देख लेते हैं क्या होती है। अच्छा जी, तो एक्सप्रेशन और इक्विवेलेंट कैपेसिटर, अच्छा अब देखें ये बैटरी की वोल्टेज है वी और ये तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो ये क्या होगा, ये जो बैटरी की वोल्टेज है ये इन तीनों कैपेसिटर्स में जो है वो डिवाइड होगी। ठीक है, तो और जो भी वोल्टेज है, सपोज ये कैपेसिटर C1 है ना, तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज होगी जो भी होगी, सपोज जो भी है वो V1 है। इस तरह कैपेसिटर 2 जो है इसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज होगी जितनी भी होगी, चाहे वो इस वोल्टेज से ज्यादा है, कम है, दो है, चार है, सौ है, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अक्रॉस भी कोई वोल्टेज होगी, ठीक है, वी टू होगी, इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी जो है वो एक वोल्टेज होगी, वो वी थ्री सपोज होगी। अब देखें इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस किसी एक के अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज हो सकती है, दूसरे के अक्रॉस कम हो सकती है, तीसरे के अक्रॉस फिर ज्यादा या कम हो सकती है, लेकिन जितनी भी होगी, चाहे ये तो तीन कैपेसिटर है ना, अगर दस कैपेसिटर हो तो इस तरह दस के अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज होगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होगी, लेकिन अगर उनका सम हम करें तो वो हमेशा इस बैटरी की वोल्टेज के बराबर होगी। इस चीज का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि जहर है वोल्टेज तो बैटरी सप्लाई कर रही है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बैटरी 10 वोल्ट की हमने लगाई हुई है और आगे हम अगर तीनों को सम करें, एक को 3 मिल रहा है, दूसरी को 6 मिल रहा है, तीसरी को 10 मिल रहा हो और टोटल करके 15 आ रहा हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर 10 की बैटरी लगाई है तो आगे 10 ही मिल रहा होगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि हो सकता है इसको ज्यादा मिल रहा हो, इन दोनों को कम मिल रहा हो, इसको ज्यादा मिल रहा हो, इन दोनों को कम मिल रहा हो, इसको ज्यादा मिल रहा हो, इन दोनों को कम मिल रहा हो, लेकिन जो तीनों कैपेसिटर्स या जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, उन वोल्टेज का सम जो है वो इस बैटरी की वोल्टेज के हमेशा बराबर होगा। तो ये बात जो है बड़ी अहम है, तो हम लिख सकते हैं कि जो बैटरी की वोल्टेज है ये बराबर होगी वी वन, वी वन वो वोल्टेज है जो कैपेसिटर सी वन के अक्रॉस है, प्लस वी टू ये वो वोल्टेज है जो अक्रॉस कैपेसिटर सी टू है, प्लस वी थ्री ये वो वोल्टेज है जो कैपेसिटर थ्री के अक्रॉस जो है वो है। ओके, अब देखें हमें पता है जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी वी, तो हमारे पास वी गिवन है, तो हम लिख सकते हैं अगर Q CV के बराबर होता है तो V क्या होगा, Q बाई C होगा। अब देखें एक बार याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, एक बार ये तो आपको पता ही है, सेकंड जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है वो चार्ज भी सेम होता है, ठीक है, इस तरह पैरल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है। तो क्या याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट और चार्ज दोनों सेम होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे फिलहाल हम बात कर रहे हैं चार्ज की, तो चार्ज जो है वो सेम होगा, इस वजह से चार्ज के साथ मैंने वन टू थ्री नहीं लिखा, क्योंकि ये सेम है तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस। तो क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है, तो वी जो है क्यू बाई सी, क्यू सेम है तीनों के अक्रॉस, इसलिए इसके इनके साथ वन टू थ्री नहीं आया, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट होगी,
क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस है, तो इसलिए इनके साथ भी 1 2 3 आ गया। तो एक मिनट वेट कीजिएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा जी, तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि कैपेसिटर्स जब सीरीज में लगे हों तो उनके अक्रॉस जो है चार्ज और करंट जो है वो सेम होगा, अगर कैपेसिटर्स जो है पैरेलल में लगे हों तो उनके अक्रॉस जो है वोल्टेज जो है वो सेम होगी, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं और हम चार्ज की बात कर रहे हैं, लिहाजा इनके अक्रॉस चार्ज जो है वो सेम होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे Q1 Q2 Q3 नहीं लिखा, Q ही लिखा है। लेकिन क्योंकि इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से कैपेसिटेंस के साथ C1 C2 C3 मैंने लिख दिया है। और ये कहाँ से Q1 बाई C1 लिखा है, Q इज इक्वल टू CV से और V इक्वल टू Q बाई C। अब क्यू सेम है तीनों में, आप क्यू जो है वो कॉमन ले लें। अब ब्रैकेट के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जो है वो आ जाएगा। तो अब आप ये काम करें, इस क्यू को इधर ही रहने दें और अच्छा जी, अब देखें, अब यूं देख लें, अब ये देखें, ये V इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है। अब क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है ना, तो V को हम Q/C लिख सकते हैं ना, तो Q/C लिख दिया। मैं CE लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस की, इसलिए मैंने C के साथ E लिख दिया, तो बराबर है क्यू और ये ब्रैकेट में सारा मैंने लिख दिया। अब देखें, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, इसका मतलब है अगर किसी कोई क्वेश्चन हो उसकी इक्वेशन का मतलब यही होता है ना कि दोनों साइड जो है वो बराबर है, क्यू क्यू के बराबर है, तो इसका मतलब ये कि इनके साथ जो चीजें हैं वो भी एक दूसरे के साथ बराबर है। इसके साथ क्या चीज है, 1/CE, इसका मतलब है 1/CE बराबर है किसके, जो इसके साथ ये चीज है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए जब कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड हो। इसमें एक बात जो है वो बड़ी इंटरेस्टेड है, देखें जब हमारे पास जो रेजिस्टर्स होते हैं उनका जब हम सीरीज कम्बिनेशन देखते हैं तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट क्या आती है, वो 1 आवर नहीं आती, वो आती है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जबकि कैपेसिटर्स के लिए जो सीरीज में कनेक्टेड है उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ रही है, वो 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2 प्लस 1 आवर C3 आ रही है। तो क्या याद रखनी है बात कि जो रेजिस्टर्स के लिए सीरीज कम्बिनेशन होता है वो कैपेसिटर्स के लिए पैरेलल कम्बिनेशन होता है, और जो रेजिस्टर्स का पैरेलल कम्बिनेशन होता है वो कैपेसिटर्स का सीरीज कम्बिनेशन होता है। तो ये एक बड़ा बेहतरीन डिफरेंस है जो आपने जो है वो याद रखना है। तो ये इस तरह हमने अब क्या किया, हमने कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन का क्या मतलब है वो एक डायग्राम से हमने डिफाइन कर लिया, देख लिया डिटेल में, फिर कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो, वो भी हमने बड़ा डिटेल में जो है चीज डिस्कस कर ली। अब हम कैपेसिटर्स इन पैरेलल कम्बिनेशन की बात करके इसकी जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो देख लेते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा। एक मिनट वेट कीजिएगा।
अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अच्छा, इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, जो लेफ्ट प्लेट होती है हर कैपेसिटर की, वो पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी के साथ कनेक्टेड होती है। जहर एक किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट होगी ना। इसी तरह जो राइट प्लेट होती है हर कैपेसिटर की, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है। याद रखिएगा, कैपेसिटर इन पैरल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, इस कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास हर कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट जो है वो बैटरी के पोस्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, किसके जरिए, एक कनेक्टिंग वायर के जरिए। इसी तरह जो हर कैपेसिटर की राइट प्लेट होती है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, एक कंडक्टिंग वायर के जरिए। तो ये कैपेसिटर इन पैरल कॉम्बिनेशन का जो है सिंपल मतलब है। तो अब इसकी जो है हम एक्सप्रेशन जो है वो देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है। देखें यहाँ पे डायग्राम और इक्विवेलेंट के लिए मैंने सेम कंसेप्ट यूज कर लिया है। देखें मैंने क्या कहा था, अब कि जो पैरल कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट और चार्ज जो है वो सेम नहीं होता, जबकि वोल्टेज जो है वो सेम होती है। जबकि पैरल सीरीज में करंट और चार्ज सेम होता है, वोल्टेज सेम नहीं होती। तो ये देखें, ये कनेक्ट हमारे पास कनेक्शंस हैं। देखिए यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि ये बैटरी लगी हुई है, ये की है, ये तीन कैपेसिटर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ पैरल में कनेक्टेड हैं। और इस प्लेट C1 के ऊपर चार्ज जो है वो Q1 है, इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो Q2 है, इसी तरह इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो Q3 है। हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इस सर्किट की जो है वो उसकी एक्सप्रेशन जो है वो लिखनी है। तो देखें, अब मैंने आपको ये कहा कि जो पैरल कम्बिनेशन होता है उसमें चार्ज जो है वो सेम नहीं होता, वोल्टेज जो है वो सेम होती है। लेकिन जो भी चार्ज है, सपोज इस कैपेसिटर पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2, इस पे Q3, ये पक्की बात है कि यहाँ पे जो चार्ज है और यहाँ पे जो चार्ज है वो सेम नहीं होगा। इस तरह यहाँ पे जो चार्ज है वो भी सेम नहीं होगा। सेम ये भी केस है कि यहाँ पे जो चार्ज है दोनों प्लेट्स पे वो सेम नहीं होगा। लेकिन जो चार्ज इस प्लेट पे है, इस प्लेट पे जितना भी चार्ज है, इन तीनों पे जितना भी चार्ज है, उनका सम जो है वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है इसमें। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कंसेप्ट था कि तीनों कैपेसिटर्स जो सीरीज में कनेक्टेड हैं उनके दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। लेकिन जितना भी होगा अगर उनका हम सम कर लें तो वो टोटल बैटरी की जो वोल्टेज है वो उसके बराबर होगा। और यहाँ पे ये कंसेप्ट है पैरल कम्बिनेशन में कि तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो चार्ज है वो डिफरेंट होगा, लेकिन उनका सम जो है वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। तो देख लें, अब क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना। अब देखिए यहाँ पे वी के साथ, इनके साथ 1 2 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पैरल कम्बिनेशन है। और पैरल कम्बिनेशन में हमारे पास क्या होता है, पैरल कम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज जो है सब कैपेसिटर्स के अक्रॉस सेम होती है, इसलिए इनके साथ मैंने 1 2 3 नहीं लिखा। 1 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो मैंने कहा इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो भी चार्ज होगा उसका सम जो है वो टोटल चार्ज के बराबर होगा।
और इनको हमने Q इक्वल टू सी वी यूज करके इस फॉर्म में जो हमने लिख लिया। वी वी के साथ 1 2 3 क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि पैरेलल कम्बिनेशन है और पैरेलल कम्बिनेशन में जो वोल्टेज जो है वो तमाम कैपेसिटर्स के क्रॉस जो है वो सेम होती है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो चेंज होगी क्योंकि चार्ज जो है वो डिफरेंट है तीनों के क्रॉस। तो हमने ये एक्सप्रेशन बना ली। अब हमने यहाँ से वी सब में कॉमन है, वी कॉमन ले लिया, हमारे पास ब्रैकेट में बच गया सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो आप देखें, मैंने आपको कहा क्यू को हम सी भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज इक्विवेलेंट की टर्म में लिख रहे हैं, तो सी के साथ ई आप लिख लें, तो क्यू इक्वल टू सी ई वी इक्वल टू वी दिस। अब देखें वी भी दोनों तरफ अगर बराबर है, इसका मतलब है जो रिमेनिंग दोनों साइड की चीजें हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। वी भी बराबर है तो इसका मतलब ये है कि सी ई जो है वो बराबर है सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री के। तो ये ही हमारे पास एक्सप्रेशन होती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए जब कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड हो। और नोट कीजिएगा, ये जो जो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वहां पे आर इक्विवेलेंट होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, जबकि कैपेसिटर जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तब उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो ये दोनों सीरीज रेजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन, कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन के साथ इनका उल्टी जो है वो ऑपोजिट रिलेशन जो है वो है, एक का सीरीज दूसरे में पैरेलल है, पहले का पैरेलल दूसरे में सीरीज है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, जो कि 6 नंबर का था, इसे हमने बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी क्या है, एक मैस है 50 ग्राम का, ठीक है, a mass of 50 ग्राम is attached with one end of a spring। एक मैस है 50 ग्राम का जो कि एक स्प्रिंग के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है हमने, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 10 न्यूटन पर मीटर है। जो भी स्प्रिंग होता है उसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, इस केस में जो है वो 10 न्यूटन पर मीटर है। whose other end is tied with a wall, और इस स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है, दूसरा हिस्सा है, उसे हमने एक दीवार के साथ जो है वो बांधा हुआ है। फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशंस, हमने क्या करना है, इसका जो पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस की वो हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो अब देखें, अब 4 नंबर है इस क्वेश्चन की, देखें 2 नंबर है हमने ये ऑसिलेशन जो है इसका पीरियड फाइंड करना है उसके, और 2 नंबर है हमने उसके जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का बेस्ट वे ये होता है कि आप सबसे पहले गिवन डाटा लिखा करें, उसके बाद जो है रिक्वायर्ड डाटा लिख के जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया करें। तो और ये 4 नंबर का जब प्रॉब्लम है तो 1 नंबर तो आपका सिर्फ गिवन डाटा लिखने का। तो क्या गिवन है, जो मैस है वो गिवन है ग्राम में, जब भी मैस जो है ग्राम में आपको गिवन हो तो उसे आपने हमेशा जो है केजी में लेना है, ऐसा यूनिट में लेना है जो कि केजी है। तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से जो है डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बड़ी यूनिट में जा रहे हैं ना, केजी बड़ी यूनिट है, तो 1000 से जो है डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 0.05 केजी। अब देखें स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है, वो कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 10 न्यूटन पर मीटर। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑसिलेशंस का और फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक फार्मूला जो है वो गिवन है, ये टाइम बेसिकली फार्मूला है टाइम पीरियड फॉर मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। तो ये वही केस ही है ना, एक मैस है उसका एक एंड स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है हमने, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें नाउन है, और दूसरा स्प्रिंग का जो एंड है वो हमने एक दीवार के साथ बांधा हुआ है, और इसकी यहाँ जो ऑसिलेशन हो रही है उसका टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी हम जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो फार्मूला इसको यूज करते हैं टी इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाई के। तो टी इक्वल टू पाई की जगह पाई की वैल्यू आप लिख दें जो कि 3.14 होती है, अंडर रूट में एम, एम की वैल्यू आपको गिवन है जो हमने यहाँ ग्राम से केजी में कन्वर्ट करके निकाली है, पुट कर दें 0.05 डिवाइडेड बाई के, के की वैल्यू भी गिवन है 10। आप ये इन दोनों को डिवाइड करें
अंडर द रूट लें, जो जवाब आए उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 3.14 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो है वो टाइम पीरियड जो है वो आ जाएगा, जो कि 0.444 सेकेंड जो है वो आते हैं। यूनिट का ख्याल रखा करें, यूनिट के भी नंबर होते हैं। अब देखें ये 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो एक नंबर समझ लें आपका गिवन डाटा लिखने के हैं, एक नंबर आपकी जितनी भी यूनिट्स आ रही हैं जहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे लिखना जरूरी है इस तरह फ्रीक्वेंसी पे एंड पे जो फाइनल है वहां पे लिखना जरूरी है। यहाँ पे आप ना भी लिखें तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फाइनल आंसर आ रहा है वहां पे यूनिट लिखना जरूरी है। तो एक नंबर इसका और बाकी 2 नंबर आपके बाकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में 2 चीजें फाइंड करनी थी, पीरियड और फ्रीक्वेंसी। पीरियड हमने फाइंड कर लिया यहाँ तक, तो हमें 2 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। अब हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है और कुछ नहीं होता बल्कि ये टाइम का सिर्फ जो है इनवर्स ही होता है। हमें रिलेशन पता है कि एफ इक्वल टू 1/T है, टी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे पुट करें 1/0.444, आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 2.25 हर्ट्ज जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी। इस तरह हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया, हमने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, तो हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन 5 का पार्ट ए है, एक्सप्लेन द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विद ग्राफ एंड डीके इक्वेशन। एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है उसकी हाफ लाइफ क्या होती है हमने एक्सप्लेन करनी है एक ग्राफ बना के, और साथ हमने जो डीके इक्वेशन है वो लिखनी है। आल्सो क्लेरिफाई द टर्म्स पेरेंट एलिमेंट एंड डाटर एलिमेंट। और इसमें हमारे पास पेरेंट एलिमेंट और डाटर एलिमेंट क्या होते हैं इनको भी हमने जो है वो डिफाइन करके क्लियरली इनके दरमियान जो डिफरेंशिएट करने हैं। तो इसके जो हमारे पास 6 नंबर है, इंतजार कीजिएगा। बस एक मिनट, अच्छा जी क्या है, हमने रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ को ग्राफ से एक्सप्लेन करना है, डीके इक्वेशन बतानी है, और हमने पेरेंट एलिमेंट और डाटर एलिमेंट क्या होते हैं ये हमने जो है वो बताना है। अब हाफ लाइफ क्या होती है इससे पहले हम जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम जिसके दौरान हमारे पास एक अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई जो होता है वो जो है आधा जो है डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसे हम कहते हैं कि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ है। ठीक है, हाफ लाइफ एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लाई होता है हमारा, वो उसकी क्वांटिटी जो है वो आधी हो जाती है, तो उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हाफ लाइफ की, Every radioactive element has its own characteristics half-life. ठीक है, हर radioactive element की अपनी एक characteristics half-life जो है वो होती है। Example है radium 226, इसकी half-life 1620 years होती है। इसका मतलब क्या है कि आधा जो radium 226 sample है वो किसी और element में convert हो जाएगा जब हमारे पास 1620 years गुजर जाएंगे ना, जाहिर है क्योंकि उसकी half-life हाँ ठीक है, इन द नेक्स्ट 1620 ईयर्स हाफ ऑफ द रेडियम विल डिके, और उसके बाद सिर्फ हमारे पास 1/4 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियम जो है वो बच जाएगी, इसी तरह एंड सो ऑन।
तो हाफ लाइफ क्या है, किसी भी अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड की हाफ लाइफ ऐसा टाइम होता है जिसमें उसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ हो जाती है। और एक एग्जांपल हमने ले ली कि रेडियम 226 जो है इसकी हाफ लाइफ 1620 होती है। इसका मतलब ये है कि जब एक हाफ लाइफ इसकी गुजरेगी तो रेडियम 226 का जो सैंपल है वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जब 1620 ईयर्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे, और अगले 1620 ईयर्स में हमारे पास मजीद इसकी क्वांटिटी जो है आधी हो जाएगी, और तब हमारे पास अगर देखें तो अमाउंट कितनी होगी, वो 1/4 होगी ओरिजिनल अमाउंट के, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास ये हमने वो जो उसने हमें कहा था कि आप ग्राफ बनाए, ये ग्राफ है, ये बेसिकली टाइम और नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स के दरमियान ग्राफ है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स हैं, यहाँ पे साल हैं, ये रेडियम की एग्जांपल ये है, इसकी 1620 जो है वो हाफ लाइफ है। देखें यहाँ पे जब हाफ लाइफ का मुराद ये है कि इसकी देखें नंबर ऑफ न्यूक्लाइड जो है एन है रेडियम की, हाफ लाइफ होगी तो क्या होगा, इसके नंबर ऑफ न्यूक्लाइड जो है वो हाफ हो जाएंगे, मतलब एन बाई टू हो जाएंगे। इस तरह मजीद जो अगली हाफ लाइफ देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लाइड जो है इसके भी हाफ हो जाएंगे, तो वन एन बाई टू डिवाइड बाई टू तो वो एन बाई फोर हो जाएंगे। इस तरह मजीद अगली हाफ लाइफ में देखेंगे तो वो एन बाई फोर का भी हाफ हो जाएगा, तो वो एन बाई एट हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ये हमारे पास जो है हाफ लाइफ का जो है वो कंसेप्ट है। क्या होता है हमारे पास जो हाफ लाइफ ये होती है वो टाइम जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड जो है वो आधे हो जाए। तो ये देखें ये एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, कुछ भी नहीं। इफ द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज टी हाफ, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड की जो हाफ लाइफ है उसे हम टी 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, देन एट द एंड ऑफ दिस टाइम नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल विल बिकम हाफ। ठीक है, आफ्टर आ टाइम टू टी 1/2 मजीद हमारे पास हाफ पीरियड होगा, नंबर ऑफ एटम जो है वो हाफ हो जाएंगे, और हाफ इंटू हाफ 1/4। तो ये वही बात है, आसान अल्फाज में बताता हूँ कि रेडियो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड जो है वो हाफ हो जाते हैं। अगर सपोज हमारे पास एन जो है नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड, तो उसकी अगर हाफ लाइफ उस एलिमेंट की हम देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, वो एन बाई टू होगी। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ उसकी एन बाई टू नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड रह जाएंगे, और उससे अगली हाफ लाइफ अगर हम देखेंगे तो उसमें एन बाई टू का भी हाफ रह जाएंगे, मतलब एन बाई फोर रह जाएंगे, एंड सो ऑन। यही बस हमारे पास जो है हाफ लाइफ का जो है कंसेप्ट है। एक जनरल फॉर्म जो आप लिख सकते हो कि जो हमारे पास किसी भी हाफ लाइफ के बाद जो एटम्स रह जाते हैं वो ओरिजिनल एटम्स मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर टी है। टी वो है कि कितना टाइम जो है वो गुजर चुका है। या आप इसे ये भी लिख सकते हो कि एन इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर टी, एन रिमेनिंग एटम्स है, एन नॉट ओरिजिनल एटम्स है, और ये 1/2 की पावर टी, तो एन इक्वल एन नॉट इंटू हाफ की पावर टी, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है। ये आप कह लें कि डीके इक्वेशन है हमारे पास। तो देखिए हमने रेडियो हाफ लाइफ को ग्राफ और डीके इक्वेशन दोनों से एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको बताया कि हाफ लाइफ वो पीरियड होता है जिसमें हमारे पास जो अनस्टेबल रेडियो न्यूक्लाइड होता है उसकी क्वांटिटी जो है वो हाफ हो जाती है। फिर ये मैंने आपको ग्राफ बता दिया, ग्राफ में बताया कि ये टाइम और नंबर ऑफ न्यूक्लाइड के दरमियान है, ये एक रेडियो न्यूक्लाई है, जब हमारे पास इसकी रेडियम सपोज है, जब इसकी पहली हाफ लाइफ होगी, क्योंकि इसकी टाइम लाइफ जो है वो 1620 ईयर्स है, तो इसकी जब पहली हाफ लाइफ होगी तो वहां पे इसकी क्वांटिटी जो है एन बाई टू बच जाएगी। जब इससे अगली हाफ लाइफ देखेंगे हम इसकी, वहां पे एन बाई टू का भी हाफ हो जाएगा, मतलब एन बाई फोर हो जाएगा, एंड सो ऑन। और हमने डीके इक्वेशन भी देख ली कि जो हमारे पास रिमेनिंग एटम्स होते हैं वो होते हैं ओरिजिनल एटम्स मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर टी, और एन इक्वल एन नॉट मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर टी हमारे पास जो है ये डीके इक्वेशन है। अब पेरेंट एटम और डाइटर एटम को हम डिस्कस कर लेते हैं। पेरेंट एटम हमारे पास अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो डिसइंटीग्रेट होता है। मतलब देखें चीजें क्यों जो है हमारे पास डिके करती हैं, क्योंकि अनस्टेबल होती है ना, और हैवी एलिमेंट जो होते हैं वो डिके करते हैं। तो पेरेंट एलिमेंट हमारे पास अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो डिसइंटीग्रेट होता है, उसे हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं। जबकि डॉटर एलिमेंट जो है उससे देखें, जब पेरेंट एलिमेंट अनस्टेबल था, डिसइंटीग्रेट हुआ, एनर्जी उसने लूज की,
उससे जो एक नया एलिमेंट बनेगा वो स्टेबल होगा। तो वो जो स्टेबल एलिमेंट हमारे पास पेरेंट एलिमेंट की डिसइंटीग्रेशन से बनता है उसे हम जो है वो डाटा एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमारे पास पेरेंट और डाटा एलिमेंट की बात हमने कर ली। क्वेश्चन 5 का पार्ट बी है, व्हाट डू यू नो अबाउट नैंड गेट एंड नॉर गेट। आप नैंड और नॉर गेट के बारे में क्या जानते हैं, उनकी सर्किट डायग्राम्स बताएं, सिंबल्स ड्रा करें और ट्रुथ टेबल बनाएं, गिव अ बूलियन इक्वेशन फॉर ईच। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन नंबर इसने कम रखे हैं। सबसे पहले तो ये इसने कहा है कि नैंड और नॉर गेट के बारे में आप क्या जानते हैं, उनकी सर्किट डायग्राम आपने बनानी है, उनकी सिंबल्स लिखनी है, उनके ट्रुथ टेबल प्लॉट करने हैं, उनकी बूलियन इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो हमने दो नंबर हैं, हमने नैंड गेट की सर्किट डायग्राम, सिंबल, ट्रुथ टेबल और बूलियन इक्वेशन लिखनी है, और दो नंबर है हमने नॉर गेट की सर्किट डायग्राम, सिंबल, ट्रुथ टेबल और बूलियन इक्वेशन जो है वो लिखनी है। पहले नैंड गेट की बात कर लेते हैं। नैंड गेट हमारे पास एंड और नॉट गेट का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ से आपको पता चल रहा है ये एंड है और एंड से नॉट, तो नॉट और एंड गेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे नैंड गेट जो है वो कहते हैं। नैंड गेट में हमारे पास क्या होता है कि ये बेसिकली जो है हमारे पास जो है नैंड गेट जो है वो बना हुआ है, ठीक है। और ये इसका ट्रुथ टेबल है ए बी, ये हमारे पास कोई दो इनपुट्स हैं, इनपुट्स क्या हो सकती हैं, दोनों पे हम कुछ भी ना दें, एक पे वन दे दें, एक पे कुछ ना दें, पहले पे वन दे दें, दूसरी कुछ ना दें, दोनों पे वन दे दें, और ये इस तरीके से हमारे पास जो है ये आगे जो आउटपुट्स आती हैं, और इसको हम ए डॉट बी, इसके ऊपर जो है ये इन्वर्टेड का साइन होता है, ये इसकी सिंबल होती है, ये इक्वेशन है, ये ट्रुथ टेबल है। और इस तरह नॉर गेट हमारे पास क्या होता है, नॉर गेट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ आर और नॉट गेट होता है, यहाँ से आर और यहाँ से नॉट, ठीक है। और ये इसकी जो है वो सिंबल है आपके पास, इसमें ए प्लस बी के ऊपर जो है ये इन्वर्जन का साइन होता है। ये ट्रुथ टेबल है इसका, ए बी दो हमारे पास इनपुट्स हैं, एक ऑप्शन ये है कि हम दोनों इनपुट्स पे कुछ भी नहीं दे रहे, दूसरी ऑप्शन ये है कि हम एक इनपुट पे वन दे रहे हैं, एक पे हम कुछ भी नहीं दे रहे, फिर एक पे हम पहली पे वन दे रहे हैं, दूसरी पे कुछ भी नहीं दे रहे, और थर्ड ये है कि हम दोनों के ऊपर जो है वो वन वन दे रहे हैं। इस हिसाब से हमारे पास ये फिर आगे आउटपुट आ जाती है। तो चलें, ये हमारे पास जो है फिर नॉर गेट बनते हैं। तो नैंड और नॉर का मैंने आपको बता दिया, नैंड गेट क्या होता है, ये नॉट और एंड गेट का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, और ये मैंने बताया इसकी जो है वो सर्किट डायग्राम में, इसकी सिंबल ये है कि x इक्वल टू ए डॉट बी, इसके ऊपर इन्वर्जन का साइन होता है। ये नॉट नैंड गेट की जो है सिंबल है, ये नैंड गेट की जो है वो ट्रुथ टेबल है, और नॉर गेट का मैंने आपको बताया कि नॉर गेट जो है नॉट और ऑर गेट का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, और नॉर गेट की ये जो है आपके पास जो है सर्किट डायग्राम मैंने बताई है, सिंबल इसकी होती है x इक्वल टू ए प्लस बी, इसके ऊपर इन्वर्जन का साइन, और ये ट्रुथ टेबल है जो है नॉर गेट का। नोट कर लें कि इसमें अगर इनपुट पे कुछ नहीं देते तो आउटपुट पे वन आता है, और अगर इनपुट पे किसी एक इनपुट पे वन दे देते हैं तो आउटपुट पे जीरो आता है, और अगर इनपुट पे दोनों पे वन देते हैं तो आउटपुट जीरो आता है। जबकि नैंड गेट में क्या होता है, अगर इनपुट पे कुछ नहीं देते तो वन आता है आउटपुट पे, अगर किसी एक पे वन देते हैं किसी एक इनपुट पे तो आउटपुट पे भी वन आता है, और अगर दोनों इनपुट्स पे हम जो है वन वन देते हैं तो आउटपुट पे कुछ नहीं आता। इसका मतलब ये है कि ये जो सेम कंडीशन है इसके लिए अगर दोनों इनपुट पे वन वन दें तो आउटपुट पे कुछ नहीं आता, और लेकिन यहाँ और यहाँ जो है वो ऑपोजिट है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है एंड गेट है, एंड गेट के लिए जरूरी है कि दोनों इनपुट्स पे कुछ होना, लेकिन यहाँ पे जो है किया है ये आर है, आर का मतलब ये कि किसी एक पे भी हो जाए तो वो हो जाता है। सॉरी, ये जो है आपका जो है डार्ट जो है ये आपका बनता है आर, ठीक है, नहीं तो ये बनता है एंड, यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा, हाँ एंड, एंड से मुराद ये होता है कि किसी एक पे भी मिल गया तो हो गया, लेकिन ये है आर, आर से मुराद ये है कि दोनों के ऊपर जो है वो होना जरूरी है। तो ये यहाँ पे जो है हमारा पेपर जो है फिजिक्स क्लास 10th 2019 का पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर के क्लास 10th फिजिक्स फेडरल बोर्ड के 2018 के पेपर के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।